इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड में जो हमारे पास मेथड आते हैं वो इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड है, देन दी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि टीचर को, टीचर इंटरेस्टेड होती है, एंथुसिएस्टिक होती है, फिर स्टूडेंट्स को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ वो मिलके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। इसमें टीचर करंट जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनको प्रमोट करती है कि उनको किस तरह से प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट वे में यूज़ किया जाए, जैसे कि डिफरेंट आपके पास सोर्सेज हैं, यूट्यूब है, कोई बच्चे जो विजुअल हैं उनके लिए यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो उनके लर्निंग इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लर्निंग में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, वो रीड करने में उनको समझ नहीं आती, थ्रू वीडियोस, थ्रू शॉर्ट ट्यूटोरियल्स वो सीख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे बच्चे जो रीडिंग करके पढ़ते हैं और फिर जब रीड करते हैं तभी उनको चीज़ें समझ आती हैं, या फिर कुछ बच्चे ऑडियो, तो एडोब एक्रोबेट में जिस तरह से आप रीड अलाउड सुन लेते हैं तो वो रीड रेडियो की तरह से वो रीडिंग चल रही होती है और वो सुनते हैं, उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो लर्निंग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, तो इंक्वायरी मेथड में टीचर उनको अच्छे तरीके से गाइड करती है कि किस तरह से कौन से एरियाज़ में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, थ्रू गिविंग दैम प्रॉपर असाइनमेंट्स एंड डायरेक्शन फॉर दैट कम्प्लीशन ऑफ दैट असाइनमेंट, देन इस्टेब्लिश अ गुड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द ग्रुप, स्टूडेंट्स डिवेलप स्किल्स। जो इस तरह का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो एस्टेब्लिश करना ताकि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग उनकी डेवलप हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी स्किल स्ट्रांग हो, देन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरह से अगर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे दी जाती है कि आप कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड इंडक्टिव मेथड है, लेट सपोज उससे रिलेटेड इंटरनेट पे आप देखें कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, किस इस एरिया में, कौन से रीजन में इसको किस तरह से लिया गया है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स लेकर आएँ, इससे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ले आएँ, इससे इस तरह की चीज़ें जब आप देते हैं तो स्टूडेंट्स खुद से जाके उस चीज़ को लाइब्रेरी में इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हुए अपनी लर्निंग को इंक्रीज करते हैं। फिर जो इंक्वायरी मेथड है वो टीम वर्क को ज़्यादा प्रोमोट करता है, या टीम वर्क इसमें ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट्स में एक कोलैबोरेशन आ जाती है, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और रिसीव करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनको आ जाती है कि कोई प्रोजेक्ट आपने लिया है तो उसके रिटन फॉर्म में एक इन्वेंट्री बना देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, उसकी कंप्लीशन किस तरह से होगी, किस तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे, ताकि वो इंक्वायरी मेथड को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को अपना कंप्लीट कर सकें और प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली इफ़ेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप स्टूडेंट के पास एक प्रॉब्लम होता है या दिया जाता है, या स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम ढूंढ कर आएँ, सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें और आप उनसे रिलेटेड डेटा लें और फिर सोल्यूशन बताएं कि क्या प्रपोज सोल्यूशंस हो सकते हैं। देन स्टूडेंट्स गेट टू नो वन अनदर बेटर एंड मेक फ्रेंड्स। आप जब इंक्वायरी मेथड में इनको इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, तो समटाइम्स उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, उनकी केमिस्ट्री आपस में मिल जाती है, वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और फर्दर जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इजीली उनको साथ मिल के कंपाइल करते हैं और साथ मिल के फर्दर भी उसी चीज़ से रिलेटेड वो अपने टास्क अंजाम पाते हैं। अगर हम इंक्वायरी मेथड के जो लिमिटेशंस हैं उनको देखें तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इसमें आपको इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच रिक्वायर्ड होती है, स्टूडेंट की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, फिर आपको स्टूडेंट को मैच्योर करना होता है, मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अगर हर एक स्टूडेंट में मैच्योरिटी नहीं आती तो फिर वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते, आधे में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या जो आपने इंक्वायरी मेथड स्टार्ट किया आधे ही से आधी जर्नी उन्होंने की है और फिर बिफोर फुलफिलिंग देयर टास्क वो क्विट कर देते हैं,
फिर मॉनिटरिंग का इशू हो जाता है, प्रॉपर तरीके से उनको मॉनिटर नहीं किया जाता, और इसी वजह से जो लर्निंग बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसकी कंडक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो एनी हाउ, अगर हम इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस देखें तो दैट आर वेरी मच, और जो कि करंट जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनके लिए इसकी बहुत, जो हमारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन के उनको मीट करने के लिए इंक्वायरी मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है।